Hello boys and girls, welcome back to Spike Reacts, and today I'm going to react on Stay True by Balin X2FISTD. I don't know how to pronounce it. X Bioma, X Dakat, and it's a new Indo-Nepal collaboration, so I'm so excited भाई. मतलब कि जब Indo-Nepal collaboration आता है तो भाई expectation अगर यहाँ पे है तो track यहाँ पे होगा, यहाँ पे तो भाई और ख़तरनाक. मतलब expectation से बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही खतरनाक रहता है. सो देखते भाई ये क्या कैसा track है. एंड आई एम लिसनिंग Balin X2FISTD फॉर द फर्स्ट टाइम, सो देखते भाई क्या कैसे आर्टिस्ट हैं. एंड ब्योमा दाई को मैं भाई पहले सुन चुका हूँ, एंड उनका भाई काम बहुत ही खतरनाक रहता है. एंड पहला इंडो नेपाल कोलेब्रेशन उन्हीं का सुना था मैं, पैराडॉक्स एक्स ब्योमा दिल्ली टू बुटवाल. एंड भाई जो वर्स थे दोनों के भाई खतरनाक लेवल पे. एंड भाई ब्योमा भाई का मैं जितना सुना तो भाई वो एक हार्ड कोर एकदम नेपाली यूज़ करते हैं, एक टोक भाई वो नॉर्मल वाली. तो देखते इस ट्रैक में किस टाइप का यूज़ करते हैं. एंड नेपाल में भी भाई कुछ कुछ आर्टिस्ट, मतलब कि सब जगह भाई, मैं पहली बोल चुका हूँ कि थोड़ी नेपाली चेंज रहती है, मेरे को ऐसा लगता है. तुम बताते नहीं हो, तुम बता देना, लेकिन भाई थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है मतलब कि नेपाली में. मतलब कि भाई कुछ आर्टिस्ट कुछ और, मतलब कि थोड़ी हार्ड यूज़ करते हैं, कुछ नॉर्मल यूज़ करते हैं, तो ठीक है. एंड डकैत के बारे में बात करें भाई, डकैत इज़ फ्रॉम इंडिया एंड बहुत डोप आर्टिस्ट है यार. अगर तुम नहीं सुने तो भाई सुन लो, टीम इवोल्यूशन सर्च करना, फिर सुनो भाई. बस भाई और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, जाओ सर्च करो और देखो. एंड ब्योमा दाई के भाई जो राइमिंग वाला खतरनाक रहता है, खतरनाक सिग्नेचर स्टाइल है वो तो खतरनाक ही. एंड डकैत का भाई जाओ देखो यार, इज यूजिंग हार्ड कोर हिंदी एंड भाई बहुत सही आर्टिस्ट है. एंड भाई मैं इंडियन, ये तो भाई साइबर है, बाकी जो इंडियन वाले ट्रैक्स रहते हैं वहाँ पे नेपॉप आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हो. अगर सिमिलर आर्टिस्ट कोई मेरे को लगता है हाँ भाई इस टाइप की ऑडियंस मिल सकती है तो भाई वहाँ पे करता हूँ. एंड अगर नेपाल में है तो भाई मैं इंडिया वाले को करता हूँ. भाई यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड भाई. हिप हॉप ये जो यूनाइट कर रहा है सारी कंट्रीज़ को भाई, नेपॉप, नेपाल, इंडिया एंड पाकिस्तान. सो बाकी कुछ नहीं बोला भाई, हिप हॉप भी एक चीज़ है, ठीक है. सो इट्स वी यूनाइटेड, स्टार्ट करते रिएक्शन. उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट की, जितने भी Balin X2FISTD ब्योमा डकैत हिप हॉप नेपॉप देसी पॉप के फैन हो यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद डिसाइड करना कि लाइक करना है डिसलाइक करना है, टाइम वेस्ट करते लेट्स गो. एंड अगर कुछ गलती हो प्लीज़ डू कमेंट्स, आई विल ट्राई टू इंप्रूव इन नेक्स्ट रिएक्शन. लेट्स गो. एक्लो थियो ज्ञान कोही थिएन साथमा, कविताको ज्ञान 500 रुपियाँ हातमा, हेडफोन माइक अनि नै फाप थियो काँधमा. भाई अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही बोल रहे कि जब मैं अकेला था तब भाई कोई साथ में नहीं था. एंड भाई तब हिप हॉप मेरा, तब मेरी राइटिंग है मेरी सहारा बनी. एंड भाई ये वाला बार अगर कोई नहीं डालना भाई, मतलब कि हर आर्टिस्ट भाई कभी ना कभी ये बार यूज़ करता ही है कि जब कोई साथ नहीं था तो भाई तब मेरी डायरी बनी. एंड मैं भी भाई थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ राइटिंग में, तो मैं भी एक बार लिखा था. देखते भाई सोचा हूँ कि भाई कभी ड्रॉप करेंगे, कभी चैनल बनेगा एंड अच्छा खासा भाई मिक्स मास्टर वीडियो वगैरह सब करेंगे. भाई देखते हैं भाई, पता नहीं, लेकिन मैं सुना देता हूँ, अगर इंटरेस्टेड हो भाई सुन लो, नहीं तो भाई स्किप कर देना, ठीक है. एंड क्या था, जब सारे यार और रिश्तेदार हो रहे थे फरार, तब मेरी डायरी बनी, मेरा सच्चा प्यार मेरा सच्चा यार, और मेरी कलम बनी मेरी हाथ. जब सारे यार और रिश्तेदार हो रहे थे फरार, तब मिला मुझे सच्चा प्यार, तब मिला मुझे मेरा सच्चा यार, मेरा सच्चा प्यार, मेरी डायरी और कलम बना मेरा हथियार. भाई मेरे को भी बहुत याद नहीं अच्छे से अभी, तो छोड़ दिया, सुनते ट्रैक को सुनते. एक्लो थियो ज्ञान कोही थिएन साथमा, कविताको ज्ञान 500 रुपियाँ हातमा, हेडफोन माइक अनि नै फाप थियो काँधमा. भाई मतलब कि 500 रुपये हाथ में लिए एंड चल माइक और हेडफोन लिए एंड हिप हॉप को अपने कंधों पे संभालने के लिए चल दिए. अगर गलत हूँ तो भाई बता देना, लेकिन मैं सिर्फ ज्ञान कोई थे ना साथ में, कविता को ज्ञान 500 रुपया हाथ में, हेडफोन माइक अनि नै फाप थियो काँधमा, र्याप फान्न नपाउँदा तड्पिन्थ्यो आत्मा. हिप हॉप जब तक नहीं करता तो हिप हॉप से जब तक दूस नहीं हुई थी तो भाई मेरी आत्मा तड़पती थी. कीमोथेरापी हमारो गीत सुन ध्यान कर, मेरे गीत
थेरेपी है मेरे गाने, एंड मेरे गाने को सुनकर ध्यान कर। ओके भाई अनगर वरी परी गनाउने गीत सुन्दा रैक हो खोक्रो त्यो एटीट्यूड ला आज देखि फ्याक ब्रो। तू भाई तेरा एटीट्यूड खोखला है तो उसको फेक किया ना। ओके अगर मैं गलत नहीं हूँ भाई, मैं गलत हूँ तो बता देना, बहुत ज्यादा पॉज कर रहा हूँ। सुन्दर रैप हो खोक्रो त्यो एटीट्यूड ला आज देखि फ्याक ब्रो। भावनाले भरिएको वेदना ने रैप हो कलम र कविता ने हिप हॉप को बैकबोन। कलम और कविता हिप हॉप की बैकबोन है। ओके भाई सही है, फैक्ट है। हिप को बैकबोन बुद्ध को देश बड़ा आको बुद्ध महात्मा सोचाई छ ठुलो गर्न आको बुद्ध का देश बड़ा। तो भाई बुद्ध यहाँ पे महात्मा बुद्ध की भी बात हो सकती है एंड यामा बुद्ध सर की भी बात हो सकती है भाई, बाकी बार समझ में नहीं आ रहा इसलिए ज्यादा वो नहीं को बैकबोन बुद्ध को देश बड़ा आको बुद्ध महात्मा सोचाई छ ठुलो गर्न आको हैन नाच गान लेखाइयो खान। सच्चाई से दोस्ती है नाच गान कुछ इस टाइप का था भाई। बड़ा आको बुद्ध महात्मा सोचाई छ ठुलो गर्न आको हैन नाच गान लेखाइयो खानदान सोचाई छ शानदार सुनाउँछु गीत काठमाडौँ देखि लन्डन। भाई मैं भाई काठमांडू से पूरे लंदन तक मेरे गाने सुने जाते हैं भाई, सुनाता हूँ। भाई दिस वर्स भाई इंग्लिश में आ रहे हैं एंड भाई पता नहीं कौन है, ठीक है पहले बाले ने या फिर 2FISTD पता नहीं है। एंड भाई सीरीज वाइज नहीं जाऊँगा कि भाई बहुत बार ट्राई किया एंड गलत जाता है गैस मेरा, सो देखते भाई एंड तुम लोग बताना भाई कौन है, ठीक है एंड भाई यही सब यूनाइट करता है। ओके भाई यूनाइटेड दिखाने के लिए और ज्यादा यूनिटी दिखाने के लिए हमने ये साइफर ड्रॉप कर चुके हैं, इसी टाइप का कुछ ना। You can put a price, yeah, we're not the same. I was all up in the shades, I'm too gone. I don't hit the clubs, call me James Bond. Catch a body, case off, damn. I don't want big name, big fame. I just got a text message that you made my day. It feels good. भाई मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे टेक्स्ट मैसेजेस में बोल दे भाई कि तुम्हारे गाने सुन के तुम्हारे भाई जो भी है आज मेरा दिन बन गया भाई, इस टाइप की भाई बहुत text message that you made my day it feels good I do it for the ones who stay true 747 all they wanna is play and 747 hi tha ki 740 is wanna is 747 agar main galat nahi hu to bhai ye unconditional love ke liye number hai agar main galat nahi hu to all they wanna is okay 740 ha सबको भाई वही प्यार चाहिए। ओके M47 all they wanna is play you sick truth no validation ambitions as a writer yeah rap my generation with every rhyme that I write yeah I'm getting better and now switch up on your homies never have a ever for a move in a role with भाई syllables देख रहे हो writing भाई ever switch up on your homies never have a ever for a move in a role with this thing in the coast with the music I got stitches at three loot the king I've been moving for the bitch pedigree they can never be mean just be ready for the trip 2007 but shuruat bhai 2072 bata shuruat bhai nahi pata yaar ye wala number ka meaning mere ko 2007 but shuruat bhai male mic chok chok jab khosto aur bhai yahan pe byoma and okay byoma tai ka hai aur main dhyan se le mic chop chop jab khosto organic sab to mo samanya kabhi hu tyo kabhi ko ruk ja ruk ja ruk ready for the thrill 2007 but the shuruat bio male mic chop chop jab khosto organic sab to mo samanya kabhi bio ma jab mic pe aata to bhai organic sab nikal ke tyo kabhi ko chanda khati nepali ponjo gauni kola ko avaran ko ti real koda kabhi haru sabai sat muni chan mala garu parda gait garni hip hop ne sit sakyo big talk ke fake artist tiktok ke hip hop ma to bhai ye dekho bhai aa gaye apne multi syllable rhyme ke sath भाई 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 फेक आर्टिस्ट टिकटॉक के हिप हॉप में दोस्ती ले टिक सब ब्रो विनोद चौधरी मोहिना वाई वाई हाई फाई विनोद चौधरी एक मिनट भाई यहां पे कुछ एक दोस्ती ले टिक सब ब्रो विनोद चौधरी मोह विनोद चौधरी मोहिना भाई ये नाम सुना सुना मेरे को क्यों लग रहा है पता नहीं यार, ये कुछ हो सकता है बाहर भाई नहीं पता मेरे को भाई।
तलाई सत्य तितो लाग्छ भने हिप हप बिगार तेरो लागि मेरो साथी तेरो माथि कला हाबी तेरो बुद्ध शुद्ध कविको छवि ममा दबेको कुरा कोर्ने कलियुगको कवि हुँ म जेबियलको बुम बुममा जब यो कलम रुन्छ सोसाइटी भाइ फ्लो में यार किल कर देते भाई भले कुछ कुछ यहाँ पे ज्यादा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है इसलिए भाई पॉज नहीं करता क्योंकि भाई मजा डिस्टर्ब हो जाता है इस टाइप के बार फ्लो में भाई बात सत्य तितो लाग्छ भने हिप हप बिगार तेरो लागि मेरो साथी तेरो माथि कला हाबी तेरो दाजी बुद्ध शुद्ध कविको छवि ममा दबेको कुरा कोर्ने कलियुगको कवि हुँ म जेबियलको बुम बुममा जब यो कलम रुन्छ सोसाइटीको गुणगान मिसेर मिठो धुन बन्छ देखावटी बानी छैन काम गर्छु घुमझुममा मेरो गीतको तार भित्र सँगै भाई जेबियल जैसे धुम धुम बजता है एंड उससे पहले क्या था भाई इसी टाइप का था भाई पॉज नहीं किया इसलिए मैं भूल गया सब सोसाइटी को गुणगान में सिर मीठो धुन बन सो देखा वोटी बानी छैन काम गर्छु घुमसुम मेरो सोसाइटी के घुमसुम में एंड भाई काम गर्छु घुमसुम मेरो गीतको तार भित्र संगीतको बहाव सित इति कन खुबी लुकेको छ सिति मिति हार मान्ने बेकार कलाकार मध्ये पर्दिन म मेरो कलम जे कोर्छ सबै व्यवहारमा ढल्छ होइन बिग ट्याग त मलाई विश्वास छ आफ्नो सिपमा त केटो ट्रिपमा छ तर ऱ्याप कुनै झ्याप दामी बेटर दिन गाजा पानी ऱ्यापको म लामी चाने डोला गाजा पानी यहाँ पे भाई कुछ इस टाइपको था कुनै झ्याप दामी बेटर दिन गाजा पानी ऱ्याप अच्छा मेरा ऱ्याप ही भाई इन सब चीजों से मेरा ऱ्याप बेटर है ये सब चीजों से ओके ओके आफ्नो सिपमा त केटो ट्रिपमा छ तर ऱ्यापको नै झ्याप दामी बेटर दिन गाजा पानी ऱ्यापको म लामी चाने डल्ला फाली विकेट छाडी बनाइदिउला पानी खाने ग्राउन्ड ग्राउन्ड छाडी जाने क्या है तेरी कीमत ओ डकैत 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 शीड जानते डल्ला फाली विकेट छाडी बनाइदिउला पानी खाने ग्राउन्ड ग्राउन्ड छाडी जाने क्या है तेरी कीमत बिना कोई सीमा मैं जीऊं मेरा जीवन गनीमत यार अनगिनत प्यार भर संगीत पर देख रहे होगे भाई क्या राइम मतलब कि क्या ही हिंदी के वर्ड्स यूज करते हैं लॉन्ग में दिली सब बड़ी आधी उम्र है फाप कर कर चुना राखिया त्याग तो अदा सब कष्ट देसी मुंडे संगुंडे बंदी है हाथ फटफट चार बी साथी मेरे सारे तत्पर भाई यार इन लोग नंबर बार्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं वहां पे 474 यूज किया गया था किसने भाई सेकंड आर्टिस्ट ने उसके बाद भाई ब्योमा दाई ने भी एक 2072 को यूज़ किया एंड यहाँ पे भी भाई 420 भाई 2072 तो नहीं पता एंड ये 420 भी नहीं पता मेरे को लॉन्ग में दिली सब बड़ी आधी उम्र है फाप कर कर चुना राखिया त्याग तो अदा सब कष्ट देसी मुंडे संगुंडे बंदी है हाथ फटफट चार बी साथी मेरे सारे तत्पर ये सिर्फ मेरा गीत नहीं खाली संगीत नहीं हर एक पल है ये मेरा लिखू सांसे बीती जो किया ये रैप मेरा कुछ नहीं भाई ये हर चीज मेरा हर चीज यही है इसी से भाई यही मेरी सांस है ये आस है भाई मैं बोला था यार नहीं सन की एकदम चीचला बनने दो भाई कहां यार आगे की गीत नहीं खाली संगीत नहीं हर एक पल है ये मेरा लिखूं सांसे बीती जो किया नहीं वो बातें की नहीं एक सन की एकदम चीचला बनने दा विंची सही गलत कुछ चीज नहीं कला मेरी वफा पटरियों पे मैं सीखी बनावटी जहां मैं असलियों से नस भाई भाई जो भाई इनका ना प्रोनाउंसिएशन है भाई पटरियों पे भाई सीखी तो भाई उसका जो जिस टाइम में डिलीवरी कर रहे थे ना डिलीवरी और खतरनाक सन की एकदम चीचला बनने दा विंची सही गलत कुछ चीज नहीं कला मेरी वफा पटरियों पे मैं सीखी बनावटी जहां मैं असलियों से नजदीकी करूं जो मैं आज वो ख्वाब खुद का जीनी तक कोई सीन नहीं अब जबत सारा भाई करूं खुद के मैं ख्वाब पूरे भाई यार अब मेरे को भी अपने ख्वाब पूरे करने के लिए खुद का जीने बनना पड़ेगा यार थैंक यू फॉर दिस बार यार अब मैं भी भाई अब रगड़ना है एंड भाई जो मैं स्टार्टिंग बोल रहा भाई करना यार ड्रॉप करके रहेंगे भाई कभी ना कभी सारा सीन इबादत की रहा हूं पेलूसा कहां गया बार कला मेरी वफा पटरियों पे मैं सीखी बनावटी जहां मैं असलियों से नजदीकी करूं जो मैं आज वो ख्वाब खुद का जीनी तक कोई सीन नहीं अब जबत सारा सीन इबादत की रहा हूं पेलूसा से मैं राहत की कर्म जैसे भक्ति और करूं मैं हिफाजत भी शर्ट खुद ही से लगी तभी ये रातें मिली काफी नवीली भाई खुद से सर लगा के खुद से कर रहे तभी हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं बाकी भाई किसी और पे नहीं okay. कर्म जैसे भक्ति और करूँ मैं हिफाजत भी शर्ट खुद ही से लगी तभी ये रातें मिली फापे नवीली फापे सीढ़ी में छाप के तू सीढ़ी क्या लिखा किताब में रखू ना हिसाब कर यारों पे मैं मरू ना जीता किसी किताब पर जो जीता मेरा सच उसी में बिता कर जीता दृष्टिकोण जो मैं बोले उसे हिप हॉप सब खत्म भाई खत्म हो चुका है एंड भाई चारों आर्टिस्ट का ना वर्स भाई खतरनाक वाला था यार चारों मतलब कि भाई मेरा दिन बना दिए भाई एक को भी ऐसा नहीं बोल सकता भाई इसका कम था हाँ ये बहुत सही था सब भाई सब मेरे हिसाब से भाई बाकी तुम्हारे ओपिनियन अलग हो सकते हैं लेकिन मेरे को भाई चारों ही आर्टिस्ट खतरनाक लगे एंड
अगर तुम भाई इनमें से मैं भाई ठीक है एंड मैं फिस्टा टू FIST एंड बालन को भी सुना एंड इन लोग को भी बस बहुत सही था एंड भाई जो पहले आए थे उनका समझ में आया एंड जिसके बाद जो सेकंड में आए थे उनका भी इंग्लिश में समझ में आया। बस ब्योमा दाई का थोड़ा थोड़ा मैं कम समझ में आया एंड फिर दकैश शेट्टी का भाई इतनी ज़्यादा टिपिकल हिंदी तो वहाँ पे भी थोड़ा अटक गया। एंड दैट्स ऑल एट टुडेज रिएक्शन। तुम्हें क्या कैसा लगा भाई तुम बताना एंड अगर अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया हो और कर लो वीडियो को लाइक कर दो। अगर अच्छा लगा हो नहीं अच्छा लगा भाई डिसलाइक कर दो बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। एंड तब तक के लिए इन तीनों में जाओ ये जो सजेशन आ रहे हैं उन तीनों में जाओ देखो अगर अच्छा लगे तो भाई वहाँ पे बताना उनके में अगर कुछ गलती हो तो वहाँ पे बताना। सपोर्ट करो भाई साथ दो यार बस 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 इतना ही। तब तक के लिए पीस आउट।